लाहौर मोटरवे के करीब पेश आए गैंगरेप के वाके के बाद जाय वकूआ के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज इसी रिंग रोड पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया रोनमा हुआ था और इसके बाद से हमारी टीम तफ्तीश कर रही है। वाज़ेह रहे कि मंगल और बुध की दरमियानी शब लाहौर मोटरवे के करीब दो मुसल्ला अफराद ने मुबैना तौर पर एक खातून को उस वक्त गैंगरेप का निशाना बनाया था जब वो गाड़ी बंद होने पर वहां मदद की मुंतजर थी। अब तक मौजूद मालूम के मुताबिक लाहौर की डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की रिहायशी 30 साल से जायद उम्र की खातून अपने दो बच्चों के हमरा रात को तकरीबन 1 बजे उस वक्त मोटरवे पर फंस गई जब उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। इसी दौरान वो मदद के लिए इंतजाम करने की कोशिश कर रही थी, तब दो मर्द वहां आए और उन्हें और उनके बच्चों जिनकी उम्र 8 साल से कम थी बंदूक के जोर पर करीबी खेत में ले गए। बादशाह हमलावरों ने बच्चों के सामने खातून का रेप किया, जिसके कुछ वक्त बाद पुलिस और खातून का एक रिश्तेदार जिसे पहले कॉल की गई थी वो जाय वकूआ पर पहुंचे, ताहम तब तक हमलावर फरार हो गए थे और खातून से कैश और दीगर कीमती सामान भी ले गए थे। इस वाके के बाद सीसीपीओ उमर शेख की जानिब से एक मुतनाज़े बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि खातून रात 12:30 बजे डिफेंस से गुजरांवाला जाने के लिए निकली। मैं हैरान हूं कि 3 बच्चों की मां हैं, अकेली ड्राइवर हैं, आप डिफेंस से निकली हैं तो आप जीटी रोड का सीधा रास्ता लें और घर चली जाएं, और अगर आप मोटरवे की तरफ से निकली हैं तो अपना पेट्रोल चेक कर लें। सीसीपीओ के इस रिमार्क्स पर आवाम की जानिब से सख्त मुजम्मत की गई है और उनको हटाने का मुतालबा किया गया है। इसी हवाले से बात करते हैं, मलिक मुश्ताक नुमाइंदा 7 न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक मुश्ताक, बताइएगा, दो मुश्तबा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन लोगों को गिरफ्तार किया है जो एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे, इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि ये मतलब खबर सामने आ रही है कि दो लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस केस में सना नामी खातून के एटीएम इस्तेमाल कर रहे थे। जब हमारी बात हुई, क्योंकि आपको अहम बात बताते चलूं कि पंजाब की तरफ से 20 से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई हैं जिनमें CIA के भी कुछ लोग मौजूद हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और तमाम तरीकाकार से जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। खोजी मंगवाए गए हैं जो तकरीबन 3-4 किलोमीटर तक पांव कदमों के निशान ढूंढते हुए आगे बढ़े हैं और इसी तरह वहां पर खोई हुई कुछ चीजें, अंगूठी, घड़ी वगैरह भी मिली है। इसी हवाले से काफी ज्यादा एजेंसियां जो हैं वो इंक्वायरी कर रही हैं इस बात की, लेकिन ये जो खबर सामने आ रही है इसमें जब हमारी बात हुई पुलिस अफसरान से जो इस केस के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं तो उनका कहना है कि ये बेबुनियाद खबर है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई मुल्जमान जो है वो गिरफ्तार नहीं किए हमने। और इसी तरह जब मालूम हुआ कि शायद एक एजेंसी नहीं दूसरा CIA ने ना ये मुल्जम पकड़े हों तो CIA की जानिब से भी ये बात सामने आई है कि हमारे पास कोई ऐसे मुल्जमान नहीं है, ना ही हमने ATM के कुछ ऐसे लोग पकड़े हैं। जबकि दिलचस्प सूरत हाल ये है कि SP साहब को से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी तक खातून ने ना तो हमें बैंक अकाउंट्स फ्राहम किए हैं और ना ही ATM नंबर हमारे पास मौजूद है, तो बंदे गिरफ्तार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अहम बात यह है कि शायद पुलिस इस बात को छुपाना चाह रही है क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, पुलिस उस वक्त तक उन लोगों को सामने नहीं लाएगी जब तक उन्हें मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं हो जाएगा और उसके बाद ये केस की इन्वेस्टिगेशन चूंकि ज्यादा हाथों में है, तमाम अफसराने वाला इस केस में शामिल हैं तो कड़ी के साथ कड़ी मिलाई जाती है हमेशा से, तो शायद वो इस वजह से इस बात को छुपा रहे हैं। लेकिन वाजिया बात यह है कि अभी तक जो लाहौर पुलिस की जानिब से या जो इन्वेस्टिगेशन टीमें तश्कील दी गई हैं उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि कतई तौर पर हमने ऐसे कोई मुल्जमान नहीं पकड़े। और इस पर चूंकि IG पंजाब के ट्विटर अकाउंट पर भी किसी ने लिखा था और IG पंजाब की तरफ से भी तरदीद आ चुकी है कि मेरा जो अकाउंट है वो फेक है और ऐसी कोई खबर नहीं है। बहरहाल चूंकि दो मुल्जमान सामने आ रहे हैं ये बात गर्दिश कर रही है, इसी हवाले से मालूम यही होता है कि शायद चूंकि अच्छा मलिक मुश्ताक, एक और भी बात थी कि 15 के करीब इस तरह के मुश्तबा अफराद थे जिनको हिरासत में ले लिया गया था, उनका फॉरेंसिक किया गया था, नमूना जात ले लिए गए थे, लेकिन अभी की खबर है कि उनके जो सैंपल हैं वो मैच नहीं कर पाए तो उनको रिलीज कर दिया गया है, क्या इस बात में भी कोई सदाकत है? जी बिल्कुल, 15 से ज्यादा लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया था, उनके सैंपल लिए थे और जिनके सैंपल मैच नहीं कर रहे, जाहिर है कि वो इनोसेंट लोग हैं, बेगुनाह हैं, उनको छोड़ रहे हैं। अहम बात यह है कि तहकीक का जो दायरा कार है ये इन्होंने बढ़ा दिया है और जिस तरह से चूनिया इन्वेस्टिगेशन की गई थी चंद माह पहले बच्चे के साथ ज्यादती केस में और जिस तरह से कसूर में
ज़ैनब कत्ल केस के जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसी अंदाज से यहाँ पर लोगों को अपॉइंट किया गया है। और अहम चूंकि दाएं तरफ दो गांव और बाएं तरफ एक गांव है जहां पर वकूआ हुआ था मोटरवे पर, तो कहा यह जा रहा है कि उस वक्त रात के 2 बजे कोई बंदा बाहर से नहीं ऐसे वीरान इलाके में आएगा, क्योंकि खेतों का इलाका है वहां पर कोई दूर से आके तो नहीं ठहरेगा, तो ज्यादा शक जो है उन गाँव के लोगों पर है। तो इसी तरह फैसला ये किया गया है कि गाँव के तमाम लोगों के जो है वो टेस्ट किए जाएंगे, इस हवाले से जो है काम जारी है। 10-15 लोग इन्होंने 17 अच्छा, गांव के मलिक मुश्ताक गांव के लोगों को तो टेस्ट करेंगे, उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन होगी अपने तरीकाकार से होगी जो भी पंजाब पुलिस का तरीकाकार है, लेकिन आप समझते हैं पुलिस की गफलत भी एक वजह बनी है इस वाक्य के रोनमा होने में। जी ये तो वाजिया बात है कि पुलिस सिस्टम में बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारी सुस्त नहीं, वो इस सेंस में बात हो रही थी कि वो कॉल कर रही थी और वहां पे ये मसला बन गया पुलिस को कि किसकी हदूद, किस थाने की हदूद बनती है, इसी वजह से इतना टाइम लग गया उनको वहां पे। सर ये एक रवायती लड़ाई है, पुलिस की रवायती लड़ाई है कि ये आज मसला बना, ये दरीना मसला है कि पुलिस की अगर कोई बॉर्डर के करीब जहां पर इनको एरिया या इलाके दिए गए हैं अगर कोई बकुआ बॉर्डर के करीब हो जाए तो अक्सर पूरी पूरी रात मैंने देखा है कि मर्डर हो जाए तो लाश एक जगह पर पड़ी होती है और पुलिस आपस में ये लड़ी होती है कि लाश आपकी हदूद में है या मेरी हदूद में, इसी तरह का मसला था। इसी वजह से वो इतनी देर लगी पुलिस को, बिल्कुल पुलिस की गफलत है कि वहां पर जो है वो लेट पहुंचे, पुलिस की गफलत है कि उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, क्विक रिस्पॉन्स वहां पर नहीं हुआ, ये तो है। लेकिन अब वो फौरी तौर पर देखें अपने आप को बचाने के लिए आज जैसा कि आईजी पंजाब की तरफ से मोटरवे पुलिस में तैनातियां की गई और मोटरवे पुलिस पर पुलिस की ड्यूटियां लगा दी गई, चार संभाल लिया कि हम सियालकोट लाहौर मोटरवे पर। नहीं तो इसके साथ साथ एक और भी वाकया रोनमा हो चुका है, आपको मालूम है वो भी जनाब कल रिपोर्ट हुआ है वाकया मोटरवे पे। जी मोटरवे उसी वाक्य की वजह से आज सुबह पहले जब सीपीओ ऑफिस आईजी पंजाब ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई तो मीटिंग के बाद फौरी तौर पर क्विक फैसला किया गया और पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया लाहौर सियालकोट मोटरवे, वहां पर पुलिस के आला अफसरान पहुंच गए और अभी थोड़ी ही देर पहले आईजी पंजाब खुद अपनी टीम के साथ वहां पर गए। उन्होंने ना सिर्फ वहां पर मौका देखा जहां पर ये वाक्य हुआ, साथ ही उन्होंने काफी ज्यादा रोड का विजिट भी किया और जगह जगह पर चौकियां बनाई गई, कहा जा रहा है कि यहीं पर चौकियां बनाई जाए। लेकिन ये बात तो वही है सर कि अब क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत, इनको पहले ऐसे इकदाम उठाने चाहिए। अच्छा इस तरह की मलिक मुश्ताक इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास जिससे ये तासुर मिले कि उन लोगों को तो ढूंढा जा रहा है जो असल कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने ये वाकया किया है जो इसमें मुलविस हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह आपने अभी कहा कि पुलिस की हदूद का भी मसला रहा है कि किसने जाना है, किस थाने की हदूद में ये जनाब जगह आती है और वो वहां पर जाके ऑपरेशन करेगा, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी कोई आईजी पंजाब ने नोटिस लिया है या के खिलाफ कोई इंक्वायरी कंडक्ट की हो कि ये लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने वहां पे बरवक्त कार्रवाई नहीं की? जी देखें पुलिस की तरफ से रवायती नारा तो लगाया गया कि तमाम पहलुओं को देखकर इसका भी फैसला किया जाएगा, लेकिन आईजी पंजाब का यही कहना है कि सबसे पहले चूंकि जिस औरत के साथ सना खतून के साथ जो ज्यादती हुई है ये बहुत बड़ा केस है, हाईलाइट केस है, तो इस हवाले से सबसे पहले तो हमें जो प्रायोरिटी है वो इसी बात की है कि मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद चूंकि उनके नोटिस में ये बात आ गई है कि पुलिस की सुस्त रवि क्यों थी और इलाके की लड़ाई क्यों हुई, इस हवाले से भी उनको तमाम अपडेट कर दिया गया है। उनका कहना है कि इसकी एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, वो इस बात का पूरा पता लगाएगी और जो लोग सुस्त रहे या जो लोग मौके पर नहीं पहुंचे या क्या झगड़ा था उनका उस पर भी इंक्वायरी की जाएगी और अगर वो साबित हुए तो उनको सजा भी दी जाएगी। बहरहाल ये एक रवायती बात है, ये आज का मसला नहीं दुरीना मसला है कि इलाके की हदूद की जंग थानों में अक्सर होती है। मैंने पहले भी बताया कि पूरी पूरी रात मैंने देखा डेड बॉडी जो है वो एक जगह पर पड़ी रहती है, उसे उठाया नहीं जाता, दो थानों की जंग होती है कि ये मेरा इलाका नहीं है ये उसका इलाका नहीं है, और इसी तरह उसके बाद जब फैसला होता है तो तब जाके बाड़ी उठाई जाती है। इसी तरह वन फाइट की कॉल पर पहले यही मसला अक्सर लाहौर में बनता है कि आप किस इलाके से बोल रहे हैं और एक कॉलर को कई दफा कॉल करनी पड़ती है कि कौन से थाने की गाड़ी यहाँ पर आएगी।
ये एक अहम मसला है जिस पर अच्छा उमर शेख के हवाले से भी हमारे नाजरीन को थोड़ा सा अपडेट कर दें। उमर शेख के हवाले से पाकिस्तान के लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत गर्म दिखाई दे रहा है और लोग चाहते हैं कि उमर शेख अपने उस बयानात को वापस ले जो उन्होंने उस खातून के बारे में कहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए हैं उन्होंने। इस हवाले से भी कोई, राजा बिशारत ने भी आज कहा था कि प्रीरोगेटिव है ये जनाब वज़ीर आला का और वही तब्दील कर सकते हैं, तो उनकी तब्दीली के हवाले से भी कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं या हो सकते हैं तब्दील मुस्तकबिल में? देखिए जी, कल ही उमर शेख साहब ने सीटीपी लाहौर में दाता दरबार में जब बात की मीडिया से, तो उन्होंने वहां पर भी ये बात कही थी कि मेरा मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद चूंकि सोशल मीडिया पर एक हंगामा है उनके बयानात पर, तो उन्होंने अपनी तब्दील तो दी है, बार बार बात भी की है, लेकिन बहरहाल अभी तक अवामी गुस्सा है। लोग ये कह रहे हैं कि क्या उमर शेख साहब से पूछकर कोई रात को निकले, चूंकि आज कुछ छोटे छोटे एहतजाज भी हुए उनके खिलाफ, यही एक बातें गर्दिश कर रही थी कि उमर शेख साहब को माफी मांग लेनी चाहिए, जिस पर लगता तो यही है कि वो माफी मांग लेंगे, अपने बयानात वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि ये बयान नहीं है, मैं भी बेटियों वाला हूँ, बहनों वाला हूँ, मैंने इस नीयत में ये बात नहीं की थी, मेरी छोटी सी बात को ज्यादा फैलाया गया, मैंने बात किसी और तरीके से की और मीडिया में और तरीके से उसको सामने लाया गया। इस पर चूंकि अब हंगामा बरपा हो चुका है, तो कोशिश यही है कि लगता है कि उमर शेख साहब अपने बयानात भी वापस ले लेंगे और जिन लोगों को उन्होंने दिल दुखाया इन बयानात से, वो उनका यही कहना है कि जल्द जो है वो अपनी तरदीद भेजेंगे और लोगों को असल हकायक जो है वो बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक, नुमाइंदा 7 न्यूज़ हमारे साथ बात कर रहे थे।